हम लोग मतलब मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, एक तरफ एलोपैथिक डॉक्टर बैठा है और एक तरफ आयुर्वेदिक डॉक्टर। एक आयुर्वेदिक डॉक्टर अगर किसी व्यक्ति का ऑक्सीजन कंसंट्रेशन घट गया है, हम उसको प्राणायाम के लिए कहेंगे, सजेस्ट। लेकिन वहीं पर एक एलोपैथिक डॉक्टर उसी ऑक्सीजन को सिलेंडर में भर के आईसीयू के नाम से 10,000 का बिल बना लेता है। इन सब चीज़ों को ये चाहते हैं बेसिकली। हम लोगों को बंद करने के पीछे कॉरपोरेट सेक्टर को बहुत ज़्यादा प्रमोशन होगा, बड़े बड़े पूंजीपतियों के हॉस्पिटल्स हर बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट में दिखाई देंगे। अगर ये हम लोग 7 लाख डॉक्टर मैडम अगर बंद कर देंगे तो सिर्फ और सिर्फ IMA इंस्टीट्यूट के ही कॉरपोरेट सेक्टर के हॉस्पिटल दिखेंगे। इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। अब मैं तो नहीं, इतना छोटा आदमी हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि रिलायंस जैसे, फिर पता चला रिलायंस की पेट्रोल टंकी जियो की जैसे मैडम चल रही है, वो जियो के मेडिकल हॉस्पिटल्स दिखेंगे, वहाँ हम लोगों को नौकरी दी जाएगी 10 से 15 हज़ार की। सर अभी एक कांड हुआ, स्वायत्तता छीनी जाएगी हम लोगों की। और बाबा रामदेव जी के विषय में जो आपने कहा, NCIMC बिल में बाबा रामदेव जी को भी एक मेंबर बनाया गया आयुर्वेदिक ट्रस्ट की तरफ से। इनके पीछे स्वार्थ यही है कि अगर मैं 7 लाख डॉक्टर्स को आयुर्वेदिक यूनानी की प्रैक्टिस दूंगा तो मैं जो आयुर्वेदिक मेडिसिन बना रहा हूँ, मेरी ये उनका ऐसा सोचना है कि मेरी जो है 10,000 करोड़ का टर्नओवर और बढ़ेगा। इससे ज़्यादा और कोई सोच नहीं है। बाबा रामदेव कोई लिटरेट तो है नहीं भाई, उन्होंने योगासन किया है, उन्होंने कोई थ्योरी नहीं पढ़ी है, कोई मेडिसिन का नॉलेज नहीं है, तो योगासन से तो दुनिया मैडम चल नहीं सकती। लेकिन इसमें एक बात और आती है जी, ये आप बताओ इसमें अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, सीटी स्कैन, MRI, क्या ये एलोपैथी की बात होती है? क्या एलोपैथी इसके अंदर कहाँ है? तो अगर दे कैन डू दैट, वाई कांट वी? हमें भी पढ़ाया जाए, MRI पढ़ाया जाए। MRI में कोई मेडिसिन तो नहीं लिखी गई, सीटी स्कैन में कोई, अल्ट्रासाउंड में कोई, एक्सरे के अंदर ऐसा तो कुछ नहीं है। तो हम जो एडवांसमेंट हो रही है, हम कह रहे हैं हमारे आयुर्वेद को और एडवांस किया जाए, इसको आज के संदर्भ में लेके आइए तो देन वी कैन सर्व इन ए बेटर वे, तो हम अच्छा और करेंगे, सर्व करेंगे। तो लेकिन आप इसको बंद ही कर देंगे तो कैसे देंगे हम मेडिकल सर्विसेज सारे को दे पाएंगे? तो ये गवर्नमेंट के लिए भी बेहतर है, लेकिन एडवांसमेंट किसी की भी बहुत ही नहीं है। एडवांसमेंट तो कहीं पे भी चलेगी, एडवांसमेंट आपके लिए भी ठीक है। जो पहले सीटी स्कैन नहीं हुआ था, MRI MBBS वालों को भी नहीं पढ़ाई जाती थी, MRI अभी 8-10 साल से आई है, तो MRI में वो करने लगे। हमें भी वो कोर्स करवा दीजिए, क्या प्रॉब्लम है, हम भी कर लेंगे। क्या गवर्नमेंट को क्या एडवाइस दोगे, क्या सलाह दोगे? सबसे पहले तो हम एडवाइस यही करेंगे कि जो इस बिल के अंदर जो ये संशोधन किया गया है, इसको वापस लिया जाए। हमारी जो भी हमारा स्टेटस क्यों होता, हमारा पहले जो NSE बिल था वो एज इट इज़ रखा जाए। नहीं, ये बिल नहीं है मैम, एक्चुअली बिल नहीं है, ये बिल नहीं है। 96 का ये लेटर है, CCIM हमारी जो हमारी जो बॉडी है वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को 96 का लेटर है, और इसके अंदर स्पेशली स्पेशल मेंशनड है वी कैन यूज आयुर्वेदिक यूनानी एंड एलोपैथिक इंक्लूडिंग सर्जरी एंड गायनेकोलॉजी बेस्ड ऑन द ट्रेनिंग एंड टीचिंग। और नीचे एक 29 मार्च 1993 का, मतलब ये इस तरह का ये लेटर भी है, एविडेंस उस वक्त से ये चलता आ रहा है। तो अब एकदम से आप उसको ब्रेक लगा दें, आयुर्वेद कर लो, तो ये तो किसी का गला घोटने वाली बात हो गई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी ट्यूबरक्लोसिस पे आपने वैक्सीनेशंस के डॉट्स के जितने भी प्रोग्राम्स चलते हैं उसके अंदर हमारे ग्रेजुएट्स बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, सारे के सारे सभी लोग उसके अंदर भी काम करते हैं। NHRM के अंदर आजकल मैक्सिमम हमारे ग्रेजुएट्स काम कर रहे हैं, जो 1108 एम्बुलेंस आती है उसके अंदर हमारे ग्रेजुएट्स काम कर रहे हैं जितने हो गए। तो अगर वो वहाँ पे कर सकते हैं तो हम अपने प्राइवेट प्रैक्टिस क्यों नहीं कर सकते? हमारे यहाँ हो रही हैं, जितने भी उनके प्रोग्राम्स होते हैं उसके अंदर हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। लेकिन हमें अगर और भी ऑथराइज करेंगे और भी करेंगे तो हम और भी अच्छा काम करेंगे उसके लिए। डॉक्टर साहब, ये अभी भारत सरकार ने बोला था कि हम 2025 तक यहाँ से TB को खत्म कर देंगे, और आप जब रोड पर रहेंगे और पार्कों के अंदर रहेंगे तो कैसे खत्म करेंगे, या क्या इनकी विचारधारा है? अब हमें नहीं पता, क्योंकि इंडिया के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि हम इरेडिकेट कर देंगे, लेकिन लो लेवल के ऊपर जो पब्लिक लेवल के, हमें ये पता है ग्राउंड लेवल पे जो बात है वो ये है कि दोबारा से
रेजिस्टेंट टीबी दोबारा से इंडिया के अंदर आ रही है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी जिसको बोलते हैं MDRT, वो दोबारा से इंडिया के अंदर आ रही है। पहले तो 3 ड्रग रेजिमेन से स्टार्ट होता था, अब 5-5 रेजिमेन के ऊपर भी रेडिकेट नहीं कर पाए, तो कैसे कर पाएंगे? अगर आप उसमें से भी इतने लोगों को जो मेडिकल जो आपको वो दे रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, उनको निकाल देंगे तो कैसे कर पाएंगे? इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। आप किसी भी सिविल अस्पताल में चले जाइए, PSC में चले जाइए, CCSC में चला जाइए, वहाँ पे आप देखिए क्या हाल होता है पेशेंट्स का। मुख्य मांगे हैं वो बताइए सिर्फ। हमारी मुख्य मांग है ये जो इसमें अमेंडमेंट की गई है उसको वापस लिया जाए, बस वो वापस लिए तो हमारे अधिकार वहीं के वहीं रहेंगे। और हमारे लिए कुछ गवर्नमेंट कर सकती है तो जितने गवर्नमेंट मेडिकल प्रोग्राम्स हैं उसमें हमें इन्वॉल्व किया जाए ताकि हमारे ग्रेजुएट्स देश के लिए कुछ करें। तो हम देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, ये हमारे एक छीनना चाहते हैं, बस ये हमारा प्रोग्राम। सिंह साहब आप कहाँ से? आपका नाम? डॉक्टर सुखदेव सिंह चंदी। सुखदेव सिंह चंदी। चंदी चंदी साहब आप कहाँ से? उत्तर प्रदेश पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट। सर आपकी क्या मांगे, मुख्य मांगे क्या है? हमारी मुख्य मांगे यही है कि जैसे जो पहले हम लोगों को एलोपैथी लिखने के अधिकार दिए गए हैं और कॉलेजों में हमें जो पढ़ाया गया है और हमारे आयुर्वेदिक कॉलेजों में ऑपरेशन से लेकर मॉडर्न मेडिसिन भी यूज की जाती रही है, वही अधिकार हम लोगों को दोबारा मिलने चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी जो मेन चीज़ है कि एलोपैथी में बहुत सी ऐसी ड्रग हैं जो आयुर्वेदिक की जड़ी बूटियों से निकाल कर उनके साल्ट निकाल करके उनका यूज किया जा रहा है और उनसे हम लोगों को बिल्कुल अलग कर दिया गया है। आज भी जैसे मलेरिया की बहुत सी मेडिसिन है, आर्थिटर है और क्लोरोक्वीन थी, ये सारी प्लांट से निकाली गई मेडिसिन है और जिनका आज और हार्ट में बहुत सी ऐसी मेडिसिन है, लीवर के ऊपर बहुत सी ऐसी मेडिसिन है, यूट्रस के ऊपर ऐसी बहुत सी मेडिसिन है जो प्लांट से निकाली गई और आयुर्वेदिक डॉक्टर धड़ल बिल्कुल अलग कर दिया गया। हमारे अधिकार सारे छीन लिए गए। डॉक्टर आयुर्वेदिक लिख सकता है लेकिन एक आयुर्वेदिक डॉक्टर वो एलोपैथी नहीं लिख सकते, नहीं लिख, जबकि हमने पढ़ा हुआ उसके बारे में पूरी नॉलेज हम लोगों को। और दूसरी बात रही सर्जरी की, श्रुष्ट जब मेडिकल में पढ़ाया जाता है तो फादर ऑफ सर्जरी श्रुष्ट को बताया जाता है, ये बुक में लिखा हुआ है। और हमसे श्रुष्ट की सर्जरी सारी छीन ली गई है, यहाँ तक कि हमको ये अधिकार नहीं दिया गया कि हम किसी की ड्रेसिंग कर सकें, इतना भी अधिकार हमारे पास नहीं है। तो इंडिया की जो इतनी जनसंख्या है उसका क्या होगा, और ख़ास तौर से ग्रामीण इलाकों में जो अच्छी अच्छी सेवाएं और इतना सस्ता ट्रीटमेंट और बेस्ट ट्रीटमेंट हम लोग दे रहे हैं, उन ग्रामीण जनता का क्या होगा?